बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाइडन के चैप्टर नंबर 35 की पार्ट 1 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर उन्होंने इम्यूनिटी की डेफिनेशन बताई हुई है कि बॉडी ऑलमोस्ट हर तरह के ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिन्स के खिलाफ रेजिस्ट करने की सलाहियत रखती है। इस सलाहियत को हम इम्यूनिटी कहते हैं। मैं वर्ड टू वर्ड रीड करता हूँ। द ह्यूमन बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू रेजिस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिन्स दैट टेंड टू डैमेज द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। दिस कैपेबिलिटी इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी वास्टली दो टाइप्स में डिवाइड की हुई है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक इननेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा जो किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट, टॉक्सिन्स के अगेंस्ट, वायरसेस के अगेंस्ट हमारी बॉडी डेवलप करती है, और इननेट इम्यूनिटी होगा जो बाय बर्थ किसी इंसान के अंदर मौजूद होती है। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता कि कौन से बैक्टीरिया इंसान के ऊपर अटैक कर चुके हैं या नहीं किया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एज के बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज कर रही होती है, जबकि इननेट इम्यूनिटी का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। इननेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ सेवरल थिंग्स। कुछ चीज़ें यहाँ पे जिनका जिक्र किया हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चार चीज़ें बेसिकली जिनका यहाँ पे जिक्र किया हुआ है जो इननेट इम्यूनिटी का, जिस पे इननेट इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है, कंसिस्ट कर रही होती है। नंबर एक, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। कोई भी इन्वेडर, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकती है, तो हमारे मैक्रोफेजेस उसको फैगोसाइटोसिस कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नंबर दो, कोई भी चीज़ अगर आप स्वॉलो कर रहे हैं तो स्टमक के अंदर जो एसिडिक सिक्रीशन होती हैं वो एसिडिक सिक्रीशन उसको किल कर देती हैं। नंबर तीन, आपकी स्किन रेजिस्ट करती है, किसी भी किस्म के ऑर्गेनिज्म को इन्वेड नहीं करने देती। और नंबर चार, आपके ब्लड के अंदर सर्टन केमिकल्स होते हैं जो किसी भी किस्म के फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये चार वो चीज़ें हैं जो दुश्मन की तमीज़ नहीं करती, जिनको ये नहीं पता होता कि वो किस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर रही हैं। कोई भी अगर इन्वेडर, टॉक्सिन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा जो उनको लगेगा कि बॉडी के लिए डैमेजिंग हो सकता है, ये उसके खिलाफ काम करेंगे। ये पर्टिकुलर नहीं है, जैसे एसिडिक सिक्रीशंस हैं सबके लिए है, इसी तरह स्किन सबके लिए है, फैगोसाइटोसिस सबके लिए है। ये पर्टिकुलर नहीं होती किसी भी कि जी फला बैक्टीरिया के लिए फैगोसाइटोसिस, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो भी आएगा उसको फैगोसाइटोसिस होगा, यानी इन ये जनरलाइज होती हैं। ये जो सर्टन केमिकल्स थे ब्लड में, पर आगे उन्होंने कुछ केमिकल्स का नाम बताया हुआ है कि लाइसोजाइम्स होते हैं ब्लड के अंदर, जो कि म्यूकोलाइटिक पॉलीसेकेराइड्स हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। इसी तरह से बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज को इनएक्टिवेट करते हैं। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, जिसका जिक्र आगे इस चैप्टर में इंशाल्लाह आएगा। और फिर इसी तरह नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स होते हैं आपके ब्लड के अंदर। तो ये इननेट इम्यूनिटी होती है इंसान के अंदर जो बाय बर्थ मौजूद होती है। इस इननेट इम्यूनिटी की वजह से हम बहुत सी वायरल इन्फेक्शन से बच पाते हैं। ये आगे उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि हम फलां फलां चीज़ों से बच पा रहे हैं, और अगर ये इननेट इम्यूनिटी ना होती तो हमारे लिए बहुत खतरे होते। उसके बाद आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडैप्टिव इम्यूनिटी। ये जैसे नाम से जाहिर है, इसका मतलब ये है कि, जो मैं वैसे पहले भी बता चुका हूँ लेकिन यहाँ पर चूंकि डेफिनेशन लिखी हुई है तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि बॉडी की एबिलिटी के किसी भी खास बैक्टीरिया या किसी भी खास पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करने की जो एबिलिटी है, इसको हम कह रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडैप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी में तो कोई भी आएगा तो हम उसके खिलाफ काम कर रहे हैं ना, लेकिन मतलब इननेट इम्यूनिटी उस फौज की तरह जिसने बॉर्डर से किसी को क्रॉस नहीं करने देना, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी उस फौज की तरह जिसको हम बता रहे हैं कि फलां दुश्मन आएगा तो उसको रोकना है, बस उसको उस दुश्मन का, उस पर्टिकुलर दुश्मन का पता है, और कोई भी एंटर होगा तो उसको कुछ नहीं कहेगा। तो ये हमारे पास एक्वायर्ड या अडैप्टिव इम्यूनिटी, जो निशानदेही करती है, पहचानती है और पर्टिकुलर चीज़ के खिलाफ पर्टिकुलर एक्शन करती है। तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ, एबिलिटी टू डेवलप एक्सट्रीमली पावरफुल स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगेंस्ट इंडिविजुअल इन्वेडिंग एजेंट्स सच एज लीथल बैक्टीरिया, वायरसेस, टॉक्सिन्स एंड इवन फॉरेन टिश्यूज फ्रॉम अदर एनिमल्स। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एक्वायर्ड और अडैप्टिव इम्यूनिटी। ठीक हो गया। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक और चीज नोट करें, यहाँ पे उन्होंने कहा एक्सट्रीमली पावरफुल स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये जो इम्यूनिटी होती है ये एक्सट्रीमली पावरफुल होती है। यहाँ पे एक और टर्म उन्होंने यूज की है, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होती है। इसका क्या मतलब है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म वैसे हमारे लिए डैमेजिंग है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बाद जब उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडैप्टिव इम्यूनिटी है, तो अडैप्टिव इम्यूनिटी के बाद उस ऑर्गेनिज्म की 100,000 टाइम्स भी अगर वो ऑर्गेनिज्म होके आ जाएगा तो वो तब भी हमारे लिए लीथल नहीं होगा। इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये मखसूस है और एक खास बंदे, एक खास बैक्टीरिया के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मखसूस होती है, तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इस इम्यूनिटी की कि ये बैक्टीरिया। इसीलिए जब हम वैक्सीनेशन कर रहे होते हैं तो आप अगर नोट करें, वैक्सीनेशन के अंदर हम एटेनुएटेड जर्म्स को इंजेक्ट कर रहे होते हैं, वीक जर्म्स को इंजेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब बॉडी एक्वायर्ड इम्यूनिटी अटेन कर लेती है तो बाद में अगर वही वाले जर्म्स बहुत स्ट्रांग होकर भी आ जाएं, वो बहुत स्ट्रांग जर्म्स भी आएँ,
तो भी बॉडी उनके खिलाफ रजिस्ट कर पाती है, क्योंकि जिन जर्म्स ने इम्यूनिटी कॉज की थी उनसे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर जर्म्स के लिए भी बॉडी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है अपने अंदर। ठीक हो गया। तो कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन डोजेज एज हाई एज 100,000 टाइम्स द अमाउंट दैट वुड बी लीथल विदाउट इम्यूनिटी, यानी कि जो विदाउट इम्यूनिटी लीथल है उसके 100,000 टाइम्स भी अगर आ जाएगा इम्यूनिटी के बाद तो भी हमारे लिए इतना मसला नहीं होगा। एग्जाम्पल दी हुई उन्होंने टेटनाइजिन टॉक्सिन ऑफ टेटनस की और पैरालिटिक बॉटुलिनम की। फिर आगे आता है, हमने पहले पढ़ा इम्यूनिटी की दो टाइप्स है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की फर्दर दो टाइप्स हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी वो है जिसमें हम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं किसी भी किस्म के एंटीजन के खिलाफ, ये बी लिम्फोसाइट्स कर रहे होते हैं, इसलिए इसको हम बीटा सेल इम्यूनिटी भी कहते हैं। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वो है जिसके अंदर हम एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स बजाते खुद जाकर लड़ाई करते हैं, इसलिए हम इसको टी सेल इम्यूनिटी भी कहते हैं और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कह रहे होते हैं। उसके बाद आता है बोथ टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी आर इनिशिएटेड बाय एंटीजेंस, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी चाहे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो या ह्यूमरल इम्यूनिटी हो, दोनों स्टार्ट तब होंगी जब कोई ना कोई एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर हो रहा है। जिस तरह इनेट इम्यूनिटी थी वो तो हर वक्त आपकी बॉडी में मौजूद है, स्किन हर वक्त मौजूद है, स्टमक में एसिडिक सीक्रेशन हर वक्त मौजूद है, सर्टन केमिकल्स आपके ब्लड में हर वक्त मौजूद है, मैक्रोफेजेस हर वक्त मौजूद है, इनेट इम्यूनिटी तो हर वक्त मौजूद है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो एंटीजेंस के आने के बाद एक्टिवेट हो रही है, वो एंटीजेंस के आने पर अपना काम करना शुरू करती है। जिसको आगे से इसको फर्दर इस तरह से डिस्कस करते हैं कि कौन से वो चीज़ें होती हैं जिनको बॉडी एंटीजन कंसिडर कर रही होती है। बेसिकली एंटीजन के लिए ज़रूरी है कि उसका हायर मॉलिक्यूलर वेट हो 8,000 से ज़्यादा हो, ठीक है। इसी तरह एंटीजन के ऊपर स्पेशल मॉलिक्यूलर ग्रुप्स होते हैं जिनको हम एपिटॉप्स कहते हैं। इन चीज़ों की बेस पर रिकोगनाइज किया जाता है कि ये एंटीजन है, इसके खिलाफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने की ज़रूरत है। ये एंटीजेंस आमतौर पर प्रोटीन्स होती हैं या लार्ज पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। तो ये उन्होंने आपको बता दिया उसकी केमिकल नेचर किस तरह की होती है और उनके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है एंटीजन के अंदर। ठीक हो गया। आगे आता है लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो एंटीजन के आने पे डेवलप होगी, इसको डेवलप कौन कर रहे होते हैं? लिम्फोसाइट्स डेवलप कर रहे होते हैं। इसलिए जिन लोगों के अंदर लिम्फोसाइट्स का लैकेज होगी, यानी लैक ऑफ लिम्फोसाइट्स होगा, उन लोगों के अंदर फुलमिनेटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगी, यानी उनके अंदर जो बर्थ के बाद ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे अगर लिम्फोसाइट्स की मौजूदगी नहीं है। तो लिम्फोसाइट्स इतने जरूरी हैं कि अगर लिम्फोसाइट्स नहीं होंगे तो बर्थ के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन से डेथ हो जाएगी, अगर कोई बहुत जबरदस्त किस्म का ट्रीटमेंट ना किया जाए, जिसको उन्होंने कहा है अनलेस ही और शी इज ट्रीटेड बाय हीरोइक मेजर्स। तो अब वो बता रहे हैं कि ये जो लिम्फोसाइट्स हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी हैं, ये लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। ये मौजूद होते हैं लिम्फ नोड्स के अंदर, मुख्तलिफ लिम्फ टिश्यूज के अंदर जैसे स्प्लीन और इन जगहों पर ये मौजूद होते हैं, और ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हुए हुए हैं। द लिम्फोइड टिश्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड एडवांटेजियसली इन द बॉडी टू इंटरसेप्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिन बिफोर दे कैन स्प्रेड टू वाइडली। ये बॉडी में कहीं से भी अगर कोई इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म एंटर होता है तो करीब कोई ना कोई लिम्फोसाइट जरूर होते हैं ताकि उसको स्प्रेड करने से पहले ही काबू किया जा सके। आगे फिर उन्होंने थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझाया हुआ है कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम से कोई थ्रोट से फेरेक्स से एंटर हो रही है तो आपके पास टॉन्सल्स होते हैं, एडिनॉइड्स होते हैं, और हत्या के अगर आपके पास कोई ऐसे जर्म्स है जो आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर हो गए हैं, यानी फाइनली आपकी ब्लड में एंटर हो गए हैं, तो फिर भी आपके पास थायमस और स्प्लीन और बोन मैरो जो ब्लड के अंदर मौजूद एंटीजन्स को भी किल कर रहे होते हैं। इसी तरह लिम्फोइड लिम्फ नोड्स आपके पास मुख्तलिफ जगहों पर बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि जीआईटी के अंदर भी लिम्फोइड टिश्यू होते हैं और जगह जगह आपके पास बॉडी में हम देख रहे होते हैं कि कहीं से भी अगर कोई जर्म एंटर हो तो हमने मोर्चे बनाए हुए होते हैं कि उनके खिलाफ हम एक्शन कर सकें ताकि उनके स्प्रेड करने से पहले हम उनको किल कर सकें। फिर आगे आते हैं टी एंड बी लिम्फोसाइट्स प्रमोट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। आपको पता है टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को प्रमोट कर रहे होते हैं और बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी को। अब थोड़ा सा उन्होंने बताया कि ये प्रोड्यूस कैसे हो रहे होते हैं। बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी के लिए अगर आप देखें तो वैसे भी हमने चैप्टर नंबर 33 के अंदर एक टेबल पढ़ा था जिसके अंदर प्लूरीपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से ही सारे तरह के ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। तो अगर हम वहीं पर चले जाएं, ये देखिए ये वो टेबल है, इस टेबल के अंदर ये थे प्लूरीपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स और ये लिम्फोइड स्टेम सेल इससे बना था और लिम्फोइड स्टेम सेल से फर्दर टी लिम्फोसाइट्स बन रहे थे और बी लिम्फोसाइट्स बन रहे थे। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स बन रहे थे और ये इसकी एक चेन यहाँ पे आ रही थी किसकी, प्लूरीपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स की। तो प्लूरीपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स से हमारे पास कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स बन रहे होते हैं और कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स से फर्दर आगे फिर आपके पास दोनों तरह के लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स बन रहे होते हैं। तो ये तो सारा कुछ हो रहा है
बोन मैरो के अंदर, यानी टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स की जो प्रोडक्शन है वो बोन मैरो के अंदर हो रही होती है, लेकिन हम इनकी प्रोडक्शन के बाद ब्लड में एंटर करने से पहले इनको प्री प्रोसेस भी कर रहे होते हैं, यानी इनकी खास ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं। जिस तरह आर्मी में सिलेक्ट होने के बाद पीएमए का कोर्स भी होता है, आपकी पहले ट्रेनिंग होनी होती है, इसी तरह से लिम्फोसाइट बन जाने के बाद ट्रेनिंग होनी होती है। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनकी ये ट्रेनिंग, यानी दे आर प्री प्रोसेस्ड इन द थाइमस ग्लैंड, और इसी थाइमस ग्लैंड की वजह से हम उसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। और जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो प्रोड्यूस भी बोन मैरो में होते हैं, और उनकी ये प्री प्रोसेसिंग मैच्योरेशन वगैरह भी बोन मैरो के अंदर ही हो रही होती है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने ये जो बी लिम्फोसाइट्स की प्री प्रोसेसिंग है ये बर्ड्स में बर्सा ऑफ फैब्रिकस में देखी थी, इंसानों में नहीं होता, बर्ड्स में क्लोएका के नजदीक बर्सा ऑफ फैब्रिकस होता है, ठीक है। चूंकि इसकी डिस्कवरी का ताल्लुक बर्सा ऑफ फैब्रिकस से है तो हम इसको बर्सा की वजह से बी लिम्फोसाइट इसको हम नाम दे रहे होते हैं। फिर यहाँ पर उन्होंने फिगर 35.1 को रेफर किया है, ये वो फिगर है कि ये देखिए 35.1 के अंदर बोन मैरो के अंदर ये टी सेल बन रहे हैं, थाइमस के अंदर ये प्रोसेस हो रहे हैं, और फाइनली टी लिम्फोसाइट बनकर ये आ गए। टी लिम्फोसाइट्स ने क्या प्रोड्यूस किया, एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स, जिन्होंने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कॉज की थी, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास जो डेवलपिंग बी लिम्फोसाइट्स हैं वो बोन मैरो के अंदर ही प्रॉपर मेच्योर भी हो गए, और जब ब्लड में निकले तो बोन मैरो से प्रॉपर बी लिम्फोसाइट्स थे, और बी लिम्फोसाइट्स ने प्लाज्मा सेल्स बनाए जिन्होंने आगे जाके एंटीबॉडीज बनाई, जिसने क्या की, ह्यूमोरल इम्यूनिटी कॉज की। तो ये दोनों तरह की इम्यूनिटीज थी। अब हम देखते हैं कि ये जो तरबियत होती है इसमें होता क्या है, ये जो प्री प्रोसेसिंग हो रही है जो टी सेल्स की थाइमस ग्लैंड में और बी सेल्स की हमने कहा बोन मैरो में हो रही है, ये बेसिकली होती क्या है। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं, सबसे पहले टी लिम्फोसाइट का डिस्कस कर रहे हैं कि द थाइमस ग्लैंड प्री प्रोसेसेस द टी लिम्फोसाइट्स। बेसिकली होता है क्या है, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनको मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरियाज के लिए तैयार किया जा रहा होता है। थाउजेंड्स ऑफ द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थाइमिक लिम्फोसाइट्स विद स्पेसिफिक रिएक्टिविटीज अगेंस्ट मेनी थाउजेंड ऑफ डिफरेंट एंटीजन्स। क्योंकि आपको पता है कि ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं इन्होंने एक पर्टिकुलर, ये वो फौजी हैं जिनको एक पर्टिकुलर दुश्मन का बताया हुआ है कि यार काली टोपी वाला दुश्मन एंटर होगा ना तो तुमने उसके खिलाफ काम करना है, मैंने एक मिसाल दी है, ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ फौजियों को मुख्तलिफ टास्क दे देते हैं। कुछ फौजियों को बताया जाते हैं यार काली टोपी वाले एंटर है तुमने उनको मारना है, कुछ को बताया जाते हैं यार पगड़ियों वाले एंटर है तुमने उनको मारना है, कुछ को बताया जाते हैं यार अगर खाकी ड्रेस वाले एंटर है तुमने उनको मारना है। तो इस तरह थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम इनकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि यार इस तरह से मारना है, ठीक है, और पर्टिकुलराइज कर रहे होते हैं हम टी लिम्फोसाइट्स को कि वो अपने अपने खास मकसद के लिए पर्टिकुलराइज हो जाएं। एक तो ये काम हो गया। दूसरा थाइमस ग्लैंड के अंदर जो हो रहा होता है वो हम उनको सेल्फ एंटीजन के साथ टेस्ट भी कर रहे होते हैं, यानी कि देखें इनको टी लिम्फोसाइट्स को बताया हुआ है कि जब कोई आपके पास फॉरेन पार्टिकल आएगा तो उनके खिलाफ आपने एक्शन करना है, ठीक है। लेकिन खतरा होता है कि कहीं ये ना हो जाए कि कुछ टी लिम्फोसाइट्स इतने जज्बाती हो जाएं कि वो अपनी बॉडी के ऑर्गेनिजम्स के अपनी बॉडी के ऑर्गन्स के खिलाफ भी काम करना शुरू कर दें, अपनी बॉडी के लिए भी लीथल हो जाए, अपनी बॉडी के टिश्यूज को भी डैमेज करना शुरू कर दें। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे फौजियों को चेक करने के लिए कि यार ये कहीं अपने फौजियों पर तो नहीं फायरिंग कर देते, हम भेजते हैं कुछ अपने बंदों को। अगर हम देखेंगे ये अपने बंदों पर फायरिंग कर रहे हैं तो हम इनको फौज से निकाल देते हैं, ठीक है। ये मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ कि जैसे हमने फौजियों को पर्टिकुलर कर दिया, तुमने उसको मारना, ठीक हो गया। फिर हम अपने बंदे भेज के देखते हैं यार ये अपने बंदों को तो नहीं मार रहे, अगर अपने बंदों को भी मार रहे हैं तो हम इनको फौज से निकाल देंगे, बॉर्डर से हटा देंगे, ठीक है। इसी तरह से टी लिम्फोसाइट्स को सेल्फ एंटीजेंस यानी अपने बॉडी के एंटीजेंस दे के, अपने बॉडी के प्रोटीन्स को साथ रिएक्ट करवा के, अपने बॉडी के प्रोटीन्स उसके सामने पेश करके चेक करते हैं कि यार कहीं इनके खिलाफ तो काम नहीं कर रहे। जो तो टी लिम्फोसाइट्स सेल्फ एंटीजेंस के साथ भी रिएक्ट कर जाए उन टी लिम्फोसाइट्स को तो हम फारिग कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं, जाया कर देते हैं। और जो बच जाए यानी जिनके अंदर दुश्मन को मारने की सलाहियत आ गई भी है लेकिन अपने बॉडी के एंटीजेंस को नहीं मार रहे, अब ये सही है, इनको हम फाइनली रिलीज कर देते हैं आपके ब्लड के अंदर। तो कहा हुआ है कि जो 90% ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स तो अपने बॉडी के एंटीजेंस के खिलाफ काम कर जाते हैं, यानी 90% तो हम फारिग कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, साइड पे ले जाते हैं, दोबारा कहते हैं कि यार इनकी तबीयत दोबारा हो गई है, जो भी है साइड पे कर दिया। जो 10% होते हैं वो प्रॉपर सेल्स बन चुके हुए हैं, वो सेल्स हैं जो कि दुश्मन के खिलाफ तो काम करते हैं लेकिन अपनी बॉडी के एंटीजेंस के खिलाफ काम नहीं करते, अब इनको हम बॉडी के अंदर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन हो रही है ये हो रही है थाइमस ग्लैंड के अंदर। अगर बर्थ से पहले थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए बेबी में से तो उसका जो टी लिम्फोसाइटिक इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक होगा, ठीक है। और अगर बर्थ से कुछ मंथ्स पहले ही कर दिया जाए तो फिर समझो ना होने के बराबर होगा। फिर ऐसे बेबी में जिसके अंदर आपने थाइमस को रिमूव कर दिया हुआ है तो उसमें अगर आप कोई ऑर्गन भी ट्रांसप्लांट करोगे तो वो उसकी रिजेक्शन नहीं शो कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर टी सेल्स ही नहीं है। जब हम बेसिकली ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं ना तो उसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का सबसे ज्यादा किरदार होता है। तो
तो वो ही नहीं हो पा रही, तो आपको पता है कि फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की रिजेक्शन नहीं हो रही होगी ऐसे बेबी के अंदर। ठीक हो गया, ये तो हमने टी लिम्फोसाइट की प्री प्रोसेसिंग पढ़ ली। अब आगे बताते हैं कि बी लिम्फोसाइट भी प्री प्रोसेस हो रहे होते हैं आपके पास लिवर और बोन मैरो के अंदर। बी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट से फर्क किस तरह से होते हैं? टी लिम्फोसाइट्स तो वो सेल्स हैं जो खुद जाते हैं, दो तरह से फर्क होते हैं। पहले तो नहीं बताया ना, डिफरेंट फ्रॉम टी लिम्फोसाइट्स इन टू वेज। पहला तो ये कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो सेल्फ मीडिएटेड इम्यूनिटी करते हैं, वो बजाते खुद जाके लड़ाई करते हैं, जबकि बी लिम्फोसाइट्स बजाते खुद जाके लड़ाई नहीं करते बल्कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लार्ज अमाउंट्स में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा टी लिम्फोसाइट्स ने तो एक पर्टिकुलर दुश्मन से जाकर लड़ना है, और बी लिम्फोसाइट्स भी हैं तो पर्टिकुलराइज, लेकिन बहुत लार्ज डाइवर्सिटी में ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और प्रोसेस होने के बाद ये बी लिम्फोसाइट्स भी टी लिम्फोसाइट्स की तरह ही लिम्फोइड टिश्यू में भेज दिए जाते हैं, जहां से आगे वो ब्लड में जाएं वो आगे फिर चले गए, फिर हमारे काम से अब हमने उनका काम कर दिया, आगे वो जो मर्जी करें। फिर आते हैं टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज रिएक्ट हाईली विद स्पेसिफिकली अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजेंस। अच्छा, अब ये बात समझना जरूरी है कि टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स बहुत हाई रिएक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन खास मखसूस चीजों के खिलाफ। जिस तरह जिन फौजियों को हमने बताया हुआ है कि यार तुमने काली टोपी वालों को रोकना है, तो वो काली टोपी वालों को बड़ी ज्यादा फोर्स से रोकेंगे, वो चूंकि उनको पता है उनकी जिंदगी का मकसद ही सिर्फ एक है, सिर्फ उन पर्टिकुलर लोगों को रोकना है या वो पगड़ियों वालों को रोकना है, तो चूंकि उनका मकसद ही एक है तो वो बहुत हाईली स्पेसिफिक होंगे। जिनके खिलाफ उनकी ट्रेनिंग है, पहली बात तो ये सिर्फ उनके खिलाफ ही काम करेंगे, और दूसरी बात ये कि उनके खिलाफ बहुत तगड़ा काम करेंगे। ठीक हो गया, तो अब जिनकी जो टी सेल्स को जो खास एंटीजेंस टी सेल्स को डेवलप करवा रहे हैं, टी सेल्स उन्हीं पर्टिकुलर एंटीजेंस के खिलाफ काम करते हैं। ठीक हो गया, द एक्टिवेटेड टी सेल्स एंड द एंटीबॉडीज इन टर्न रिएक्ट हाईली स्पेसिफिकली अगेंस्ट द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एंटीजेंस दैट इनिशिएटेड देयर डेवलपमेंट। यानी बी सेल्स की या टी सेल्स की जो डेवलपमेंट है वो जिनकी वजह से शुरू हुई है, कोई एंटीजन एंटर हुआ ना, उस एंटीजन के एंटर होने की वजह से टी सेल्स बनना शुरू हुए, उन्होंने टी सेल्स को कहा तुमने इस एंटीजन के खिलाफ काम करना है, तो जिस एंटीजन के एंटर होने की वजह से टी सेल बने हैं उसी एंटीजन के खिलाफ टी सेल्स और बी सेल्स की एंटीबॉडीज काम करती हैं बहुत हाईली। अब हमने लिम्फोइड टिश्यू के अंदर मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स को स्टोर किया हुआ होता है, हमें पता है किसी भी तरह का मुख्तलिफ तरह का एंटीजन आ सकता है, हमने मिलियंस ऑफ हर तरह के लिम्फोसाइट हमने तैयार किए हुए होते हैं। कोई लिम्फोसाइट जिस तरह मैंने आपको पहले फौजियों की मिसाल देके बताया, किसी लिम्फोसाइट को बताया हुआ है कि यार पगड़ियों वालों के खिलाफ तुमने जाना है, किसी को बताया हुआ है यार टोपियों वालों के खिलाफ तुमने जाना है, किसी को बताया हुआ है कि खाकी कपड़ों वालों के खिलाफ तुमने, तो हमने बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट को तैयार किया हुआ है। ठीक है, अब जिस भी तरह का दुश्मन आता है हम उस तरह का लिम्फोसाइट उठाते हैं और उसको बूस्ट करते हैं, वो लिम्फोसाइट मतलब डिवाइड करते हैं और एक्टिवेट होते हैं और खासतौर पर उस एंटीजन के खिलाफ काम करते हैं। तो हमने बहुत ज्यादा टाइप्स के डिफरेंट लिम्फोसाइट्स को अपने पास रखा हुआ होता है, स्टोर किया हुआ होता है। अब अगर कोई उनमें से पर्टिकुलर का दुश्मन आ जाए, जिस तरह अगर हमने किसी को कहा है कि यार आपने पगड़ियों वालों के खिलाफ लड़ना है, अगर तो पगड़ियों वाला आ जाए तो वो जो फौजी हैं वो बहुत तेजी से बूस्ट होते हैं, यानी कि अगर उन लिम्फोसाइट का पर्टिकुलर एंटीजन आ जाए तो वो लिम्फोसाइट वाइल्डली डुप्लीकेट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, Once the specific lymphocyte is activated by its antigen, it reproduces wildly, forming tremendous numbers of duplicate lymphocytes. तो T lymphocytes तो अपनी तादाद बहुत ज्यादा increase कर लेते हैं और बहुत ज्यादा cells बन जाते हैं, और जो B lymphocytes है वो बंदोबस्त करते हैं कि बहुत ज्यादा सारी antibodies बन सके, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जिंदगी का मकसद आज अचीव होने लगा है, हम जिस एंटीजन के खिलाफ पैदा हुए थे वो एंटीजन आज बॉडी में एंटर हो चुका है, अब हमें हक है कि हम डिवाइड करें और उस एंटीजन के खिलाफ अपनी पूरी स्ट्रेंथ को गेन करें। ठीक हो गया, तो अगर मैं आपको यहाँ मिसाल दूं तो ये देखें, ये मुख्तलिफ तरह के फौजी हैं, किसी को ये ब्लू फौज, ये ब्लू वाला, ये मुख्तलिफ बी सेल्स जैसे उन्होंने दिखाए हुए हैं। ठीक है, ये बी सेल्स के मुख्तलिफ क्लोन्स हैं, बी वन बी टू बी थ्री उन्होंने बताया हुआ है, तो ये इसको हमने बताया हुआ है कि यार आपने मिसाल के तौर पर येलो टोपी वालों के खिलाफ काम करना है, इसको बताया हुआ यार आपने ग्रीन टोपी वालों के खिलाफ काम करना है, इसको बताया हुआ यार आपने ब्लू टोपी वालों के खिलाफ काम करना है। ठीक हो गया, अब हुआ ये कि ग्रीन टोपियों वाले एंटर हो गए, तो इसको बताया हुआ था ना ग्रीन टोपियों वालों के खिलाफ काम करना है, इसने जनाब फुल डिवाइड करना शुरू कर दिया, इतने सारे बी टू सेल्स बन गए, इतनी सारी एंटीजेंस बन गई, और सारे बी टू सेल्स ने अपनी एंटीबॉडीज बन गई, सारे बी टू सेल्स ने अपनी एंटीबॉडीज को रिलीज किया, तो ये हरी पगड़ियों वालों के खिलाफ बहुत ज्यादा सारे एंटीजेंस बन गए, सॉरी एंटीबॉडीज बन गई, मैं दूसरी दफा गलत कह गया, बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बन गई। तो जिस पर्टिकुलर तरह के सेल के खिलाफ एंटीजन आएगा उस तरह का सेल डिवाइड करेगा और उसी तरह की ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकेगा।
हमने जो इतने सारे सेल्स रखे हुए हैं, ये जो मुख्तलिफ टाइप्स के सेल्स रखे हुए हैं हमने, इनको हम कह रहे हैं ये क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स है। ऑल द डिफरेंट लिम्फोसाइट्स दैट आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग वन स्पेसिफिक एंटीबॉडी, यानी मुख्तलिफ लिम्फोसाइट्स हैं, उनमें से हर लिम्फोसाइट एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है या कोई स्पेसिफिक टी सेल प्रोड्यूस कर सकता है, दे आर कॉल्ड क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक हो गया। अब एक सवाल जेहन में आता है कि मैंने आपको बताया कि मिलियंस ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो इसका मतलब है मिलियंस ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं, तो इनके लिए जेनेटिक्स भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन हमने देखा कि ये तो कोई सेवरल हंड्रेड टू फ्यू थाउजेंड जीन कोड्स हैं, जीन कोड्स तो इतने हैं ही नहीं, तो ये मिलियंस ऑफ किस तरह से बन रहे हैं? तो पहले तो ये मिस्ट्री थी, समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब समझ आ गई कि वो जो थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं या हंड्रेड्स ऑफ जीन्स हैं वो बेसिकली स्प्लिट कर जाते हैं और उनके जीन सेगमेंट्स बन जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ जीन सेगमेंट्स बन जाते हैं, और वो जीन सेगमेंट्स मुख्तलिफ तरह से कंबाइन करके मुख्तलिफ जीन्स प्रोड्यूस कर पाते हैं और मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर पाते हैं हमारे पास। जिस तरह से हमें पता है कि हमारे पास थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, हमारे पास चार ही टोटल यूनिट्स हैं, लेकिन उन चार यूनिट से डीएनए के कितनी तरह के सेगमेंट्स बन जाते हैं ना, आपको पता है मुख्तलिफ तरह के जीन्स बनते हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ तरह के अरेंजमेंट्स करते हैं। तो जिस तरह वहां मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स या मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स मुख्तलिफ तरह से अरेंज होकर बहुत सारे टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड फॉर्म कर लेते हैं, इसी तरह से ये जीन सेगमेंट्स मुख्तलिफ तरह से अरेंज होते हैं, मुख्तलिफ तरह से कंबाइन करते हैं और मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ जीन्स बना लेते हैं। तो अब हमें समझ आई कि किस तरह से मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ क्लोन्स या टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स हमारे पास बन रहे हैं। फिर आता है मैकेनिज्म फॉर एक्टिवेटिंग अ क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट। ठीक है, कि अगर जब ये हरी पगड़ियों वाले आ गए तो जिनको हमने कहा हुआ था कि आपने हरी पगड़ियों वालों के खिलाफ काम करना है, ये किस तरह से एक्टिवेट होंगे, किस तरह से पहचाने कि इनका पर्टिकुलर दुश्मन आ चुका है। तो मैकेनिज्म फॉर एक्टिवेटिंग अ क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स, तो इनके पास बेसिकली ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो हाईली स्पेसिफिकली उनके खिलाफ काम कर रहे होते हैं। जिस तरह आपने देखा ना कि ये रिसेप्टर्स उन्होंने खास तौर पर शो किए हुए हैं इन एंटीजेंस के खिलाफ, तो जब ये ग्रीन वाले एंटीजेंस आए तो ये ग्रीन रिसेप्टर्स में लगे और ये बी सेल्स को पता चल गया कि यार हमें एक्टिवेट होने की जरूरत है क्योंकि हमारे रिसेप्टर्स में एंटीजेंस आ रहे हैं। मैंने कही ना मैं फौजियों को बताता रहूं तो आपके जहन से यही निकल जाए कि हम एंटीजन और किस तरह से पढ़ रहे थे। तो जब पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन आते हैं तो जो आपके पास रिसेप्टर्स होते हैं, ये देखे टी सेल्स के बारे में भी लिखा हुआ है कि सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन्स और टी सेल मार्कर्स, ठीक है, उनके पास वो मार्कर्स मौजूद होते हैं कि जब इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म आएगा, इस तरह का कोई एंटीजन एंटर होगा तो हमने डिवाइड करना शुरू कर देना है, और ये बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं। जिस तरह अगर ये ग्रीन वाले एंटीजेंस या राउंड एंटीजेंस के लिए तैयार है तो अगर कोई स्क्वायर एंटीजेंस आए तो इनको खबर भी नहीं होनी, इनको होश भी नहीं होनी, आराम से बैठे रहना है। कोई ट्रायंगुलर आए तो वो बी वन के लिए है या बी टू वालों को होश भी नहीं होनी, इनको खबर ही नहीं होनी, ठीक है। तो दे आर वेरी स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं कि अपनी जिन एंटीजेंस के लिए तैयार होते हैं उन्हीं तरह के एंटीजेंस के आने पर ये काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है रोल ऑफ मैक्रोफेजेस इन द एक्टिवेशन ऑफ एक्टिवेशन प्रोसेस, के इस एक्टिवेशन प्रोसेस में मैक्रोफेजेस का क्या रोल है। ठीक, अभी तो आपको बता दिया कि उनको पता चल जाता है कि कब उन्होंने एक्टिवेट होना है, फिर मैक्रोफेजेस का क्या रोल है। बेसिकली मैक्रोफेज बड़े सियाने होते हैं, जब भी कोई एंटीजन एंटर होता है तो ये पहले तो उसको फैगोसाइटोस करते हैं, फैगोसाइटोस करके फिर जो उसकी निशानियां होती है ना वो भेज देते हैं आगे इनके पास, लिम्फोसाइट्स के पास, ताकि ये भी रिप्रोड्यूस कर सके। मिसाल इसकी इस तरह से है कि बॉर्डर पे कुछ फौजी इस तरह से थे जिन्होंने दुश्मन को मार दिया और जो निशानियां थी ना, मिसाल के तौर पर हरी पगड़ी थी या खाकी लिबास था, वो भेजा पीछे बाकी फौजियों को ताकि उनको पता चल जाए कि उनमें से किसने एक्टिवेट होना है और किस तरह का दुश्मन आया है। तो ये फैगोसाइट्स क्या करते हैं, सॉरी ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, पहले फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं और जो पार्शली डाइजेस्टेड होते हैं, जो काफी ज्यादा इसको खत्म कर चुकी हैं, इनकी एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स भेज देते हैं आपके पास लिम्फोसाइट्स को। अब लिम्फोसाइट को समझ आ गया कि एक्टिवेट होना है। मैक्रोफेजेस सिर्फ यही नहीं करते बल्कि ऐसे सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक्टिवेट करने में हेल्प करें। जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने इंटरल्यूकिन वन की मिसाल दी है जो उस पर्टिकुलर क्लोन की एक्टिवेशन में और उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। ठीक हो गया। फिर आता है रोल ऑफ टी सेल्स इन एक्टिवेशन ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स। अब बी लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन के अंदर टी सेल्स का भी रोल होता है। अब हम देखना एक्टिवेशन किस तरह से हो रही है। पहले हमने देखा क्या रिसेप्टर्स होते हैं, फिर हमने देखा मैक्रोफेजेस एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स भेजते हैं, फिर मैक्रोफेजेस एक्टिवेटेड सब्सटेंसेस भी भेजते हैं। अब पता ये चल रहा है कि कुछ टी सेल्स होते हैं जिनको हम हेल्पर टी सेल्स कहते हैं। ये हेल्पर टी सेल्स बी लिम्फोसाइट्स को भी एक्टिवेट कर रहे होते हैं। बेसिकली ये जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं ये स्पेसिफिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम लिम्फोकाइंस कहते हैं। ये लिम्फोकाइंस जो हैं ये दूसरे सेल्स को खास तौर पर स्टिमुलेट कर रहे होते हैं कि ये अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करें।
तो हेल्पर टी सेल्स के बगैर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है। आपको पता होगा एड्स के अंदर भी यही हेल्पर टी सेल्स इफेक्ट हो जाते हैं और हम कहते हैं कि इम्यूनिटी कोलैप्स कर गई है। तो ये हेल्पर टी सेल्स इस हद तक इंपॉर्टेंट है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि ये दूसरे सेल्स की एक्टिवेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो बाकी चैप्टर हम इंशाल्लाह पार्ट टू और पार्ट थ्री और आगे शायद पार्ट फोर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लेंथी चैप्टर है। तो इंशाल्लाह बाकी पार्ट के अंदर वीडियो को डिस्कस करेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें।